नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी महोबा में लाभार्थियों को LPG कनेक्शन सौंपेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें, कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। साथ ही मोदी उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के 10 लाभार्थियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। वहीं प्रवक्ता ने बताया है कि वो इस योजना के पहले चरण के कई राज्यों के 5 लाभार्थियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से बातचीत भी करेंगे। वहीं एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण में राज्य के गरीब परिवारों को कुल 1,47,43,862 LPG कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी महोबा की पुलिस लाइन के परेड मैदान में आयोजित जैव ईंधन प्रदर्शनी की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही इस चरण में लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त में उपलब्ध कराने के साथ ही चूल्हा भी मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। देश में कोरोना के केस में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, बीते 24 घंटे में 27,421 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 41,447 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं इस दौरान 300 से ज्यादा मरीजों ने इस महामारी के चलते अपनी जान गंवा दी है। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 14,402 की कमी आई है। बता दें, अब तक 3,00,000 से ज्यादा मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है और यह आंकड़ा 23 मार्च के बाद सबसे कम है। तब 3,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस थे। वहीं बीते दिन दर्ज किए गए 27,421 नए मामले 15 मार्च के बाद सबसे कम आए हैं। बता दें, तब 24,437 केस एक दिन में दर्ज किए गए थे और उसके बाद देश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा ही हुआ था। वहीं दूसरी लहर के दौरान रोजाना 3,00,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है। जी हां, आतंकियों ने CRPF पार्टी को निशाना बनाते हुए हमला बोला है और हमले में एक जवान के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के जैनपोरा के काल चेक इलाके में मंगलवार सुबह CRPF पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी और गोलीबारी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान घायल हो गया है। तो बता दें, आतंकवादियों ने CRPF के काफिले पर हमला किया जिसमें एक जवान घायल बताया जा रहा है। CRPF को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने गोलीबारी की और शोपिया जिले के दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के जैनपोरा इलाके के काल चेक इलाके की यह घटना है, जहां पर आज सुबह मंगलवार सुबह CRPF पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की और गोलीबारी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान घायल बताया जा रहा है। तो बता दें, जम्मू कश्मीर से लगातार पुलिस सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से आज आतंकवादियों ने सुबह CRPF के एक जवान को घायल कर दिया। गोलीबारी आतंकवादियों की तरफ से की गई थी। वहीं बता दें, इस पूरी घटना के बाद से घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के जैनपोरा के कालचेक इलाके की ये घटना है, जहां पर आज सुबह CRPF पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की और गोलीबारी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से तभी से सुबह के बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आतंकवादियों को पकड़ा जा सके।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार रात एक डिनर की मेजबानी की, जिसमें विपक्षी पार्टी और समान विचारधारा वाले दलों के राजनीतिक दिग्गजों ने भाग लिया। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इस डिनर बैठक में 15 पार्टियों के करीब 45 नेता और सांसद जुटे और सभी नेताओं ने सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के साथ साथ एक मजबूत मोर्चा बनाने पर भी चर्चा की। बता दें कि सिब्बल सोनिया गांधी को व्यापक सुधारों के लिए लिखे गए पत्र के पीछे प्रमुख प्रस्तावक थे और उन्हें उन नेताओं में से एक भी देखा जाता है जिनके राहुल गांधी के कामकाज से गंभीर मतभेद हैं। वहीं इस पर बैठक के बाद से कांग्रेस पार्टी में ही चर्चा होने लगी है कि क्या इस तरह से बैठक बुलाना सही था। हालांकि जिन्ना में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं ने किसी भी अटकलों को खारिज कर दिया है और कि यहां पार्टी के आंतरिक कामकाज से संबंधित था, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि 2024 के चुनावों से पहले मजबूत विपक्षी एकता वो लोग चाहते हैं। हालांकि बता दें G23 के नाम से मशहूर हुए कांग्रेसी नेता पार्टी में ब्लॉक से लेकर CWC स्तर तक के चुनाव चाहते हैं और इस संबंध में सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा गया था। जो G23 नेता रात्रि भोज में शामिल हुए उनमें मेजबान सिब्बल के अलावा गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चौहान और मनीष तिवारी और शशि थरूर शामिल हुए थे। भोज में बता दें आमंत्रित विपक्ष के एक नेता ने बताया कि एकता को और मजबूत करने के लिए ऐसी बैठकें और आयोजित की जानी चाहिए। हमें बीजेपी को 2022 में पहले उत्तर प्रदेश में और फिर 2024 के आम चुनाव में हराना है। सूत्रों ने बताया कि सिब्बल की शुरुआती टिप्पणी के बाद सभी नेताओं ने कहा कि उन्हें 2022 में उत्तर प्रदेश में और फिर 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आना होगा। बिहार चुनाव से जुड़े राजनीति के अपराधीकरण सह अवमानना मामले में सुप्रीम फैसला आज संभव है। बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगाहें हर किसी की टिकी हुई है। क्या यह फैसला राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ मंगलकारी साबित होगा? दरअसल आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव की बेला में फैसला अमृत साबित हो सकता है। बिहार गणतंत्र की धरती है और ऐसे में राजनीति में अपराधीकरण सबसे बड़ा वायरस है। ऐसे में आज के फैसले से उम्मीद है। वहीं पिछले साल बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर 470 दागियों ने किस्मत आजमाए थे, लेकिन दागियों ने आपराधिक जानकारी जग जाहिर नहीं की और ऐसे में अब अवमानना मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और 20 जुलाई को फैसला सुरक्षित हो गया था। आज फैसले की घड़ी है जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो बता दें राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ निर्णय सुप्रीम कोर्ट में आज आएगा। हालांकि ये निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, 20 जुलाई को ही निर्णय ले लिया गया था, लेकिन उसके बाद से ही इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है, जिसके बाद आज इस फैसले के आने की पूरी संभावना है। ऐसे में हर किसी की नज़र है कि फैसला क्या आने वाला है। अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं जब महिला के परिजन शव का अंतिम संस्कार कराने पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोकते हुए अजले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मायके पक्ष के लोगों की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है और मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। सपा नेता पर कटाक्ष करते हुए अमेठी प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने सपा पार्टी पर तंज करते हुए पूछा कि क्या अखिलेश जी को अब्बा से नाराजगी है या बजान से। वहीं इसी पर प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि नेताजी को मुलायम सिंह कहलाने से कोई नाराजगी नहीं थी, वो तो बहुत खुश थे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अब्बा जान वाली नाराजगी से भाईजान लोग नाराज ना हो जाए। फिर कहा
जाएंगे आप। वहीं आपको बता दें कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां लगातार बयानबाजी करती नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलता है। अमरोहा के गजरौला कस्बे में होटल हाईवे रिसोर्ट में स्टाफ के साथ जिला पंचायत सदस्य के पति और बीजेपी नेता पिंटू भाटी ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 24 जुलाई 2021 को गजरौला के हाईवे रिसोर्ट में हुई मारपीट का वीडियो अब सोमवार को सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में पीटने वाला शख्स हाईवे रिसोर्ट होटल का मैनेजर है और जो वीडियो में पीट रहे हैं लोग, उनमें से एक जिला पंचायत सदस्य रेशमा भाटी का पति पिंटू भाटी है, जो होटल के मैनेजर को पूरी तरह से पीट रहे हैं। इस पूरे मामले में धनोरा के कुल क्षेत्र अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज हो चुका है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से पिंटू भाटी होटल के मैनेजर को पीट रहे हैं और सोशल मीडिया पर अब कल ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ है, जिसके बाद से काफी सुर्खियों में ये वीडियो आ गया है। बता दें ये घटना जुलाई के अंत की बताई जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये घटना 24/7/2021 की लगभग 5 बजे की है। इस संबंध में देवेंद्र कुमार तोमर द्वारा जो है एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर जो है NCR नंबर 222/21 धारा 323(5)(4) पंजीकृत किया गया, जिसमें इनके द्वारा 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसमें 2 नामजद हैं, एक तो वीरपाल और एक पिंटू भाटी और 2 अन्य अज्ञात हैं बच की गई, जिसमें जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के नजीबाबाद के सारनपुर में बारिश के पानी में नहाने गए एक युवक को इतना भारी पड़ गया कि उसकी बिजली के करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं युवक की मौत होने से परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि नगर पंचायत सारनपुर साहनपुर निवासी सलीम का पुत्र 18 वर्षीय अजान बीते दिनों मजदूरी करने के लिए सीतापुर गया था। बीती शाम युवक मकान की छत पर नहाने के लिए गया था, तभी अचानक लगे बिजली के तार में करंट दौड़ पड़ा और करंट की चपेट में आने से युवक की छत पर ही मौत हो गई। आनन-फानन में बता दें उसको निजी अस्पताल भी ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे कह दिया था कि इसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। वहीं मृतक युवक के शव का पंचनामा भर के सोमवार को सहानपुर लाया गया, जहां इस दर्दनाक घटना को लेकर उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये बच्चा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जिसमें एक जगह है वहां पर गया था, तो वहां ये छत पे चला गया, वहां पर काम से फारिग होने के बाद छत पे वहां जो बताया जा रहा है कि करंट आ रहा था पानी में, तो वो करंट लगने से घायल हो गया। वहाँ गंभीर रूप से फिर उसको लेकर के गए हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में, वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। स्वच्छ और स्वस्थ भोजन पर ग्रेटर नोएडा में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वहीं बेहतर और स्वच्छ भोजन के बारे में इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी ने लोगों को जागरूक किया और इसी के साथ कार्यशाला के एक्सपर्ट्स ने भी जैविक भोजन के फायदे और उनके इस्तेमाल के बारे में लोगों को बताया और ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। बता दें ग्रेटर नोएडा में आयोजित प्रेस वार्ता में ऑर्गेनिक खेती और स्वच्छ भोजन के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। तो बता दें स्वस्थ भोजन पर कार्यशाला का ये आयोजन किया गया है, साथ ही जैविक भोजन के फायदे के बारे में लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही लोगों को जानकारी दी गई है। वहीं बता दें कि ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया है। ग्रेटर नोएडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती और स्वच्छ भोजन के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है।
मेरठ में ट्रक लूट और लूटने के बाद ट्रक को राजस्थान में कटवाने के पूरे प्रकरण का मेरठ पुलिस ने अब खुलासा करते हुए 9 अभियुक्तों को धर दबोच लिया है। बता दें पुलिस ने 9 अभियुक्तों के पास से कटा हुआ ट्रक और 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं। आपको बता दें कि जिन लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा है ये सभी शातिर लुटेरे और वाहन काटने वाले आरोपी हैं जो वाहनों को लूट कर राजस्थान में कटवाया करते थे। वहीं बताया जा रहा है कि सभी आरोपी मेरठ जिले के रहने वाले हैं और सभी ने योजनाबद्ध तरीके से पहले तो शामली से ट्रक को लूटा, जिसके बाद सरूरपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की थी, जिसमें सर्विलांस की मदद से पुलिस ने परत दर परत मामले को खोलना शुरू किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कुल 9 अभियुक्तों को धर दबोच लिया है और इनमें से 5 अभियुक्त वो हैं जो ट्रक को लूट कर राजस्थान ले गए और 4 अभियुक्त वो हैं जो राजस्थान में ट्रक को काट कर मोटा मुनाफा कमाते थे। बताया जाता है कि 4 से 5 लाख में ये चोरी के ट्रक को काट का मुनाफा कमाते थे। और हैरत की बात यह है कि मेरठ के सोतीगंज में अब चोरी के वाहन कटने बंद हो गए तो लूट में चोरी के वाहनों को कटवाने के लिए चोर राजस्थान से अन्य राज्यों में जाने लगे हैं। हालांकि समय रहते पुलिस ने सभी 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के पास से ट्रक सहित 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन अभियुक्त अभी भी फरार हैं जो इस पूरे गैंग में शामिल हैं। तो बता दें मेरठ पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और साथ ही अभियुक्तों को 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मेरठ में ट्रक चुरा कर राजस्थान में से ले जाकर कटवाया करते थे और इनका एक पूरा गैंग है। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि इस गैंग के 9 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी भी इस गैंग के कुछ लोग फरार हैं जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जान हथेली पर रखकर चलती गाड़ी में डांस करते हुए एक वीडियो वायरल इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा है। वीडियो में एक युवती जान हथेली पर रखकर चलती गाड़ी में डांस करती दिख रही है और युवती को इसका जरा सा भी एहसास नहीं था कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो युवती को अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। वहीं किसी ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक में चलती हुई ट्रैक्टर में ये युवती डांस कर रही है। हालांकि स्पीड भी वाहन की बहुत तेज है, लेकिन इस युवती को जरा सा भी डर नहीं लग रहा कि किसी भी अगर घटना कोई घट जाती है तो इस युवती की जान भी जा सकती है। हालांकि पीछे जा रहे किसी ने इसका वीडियो बना लिया और तेजी के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। कुछ अज्ञात अपराधियों ने 2 दलित युवक की हत्या कर शव को धान के खेत में फेंक दिया। बता दें दोनों युवक के शरीर पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक सुबह शौच के लिए बाहर निकले थे, जिसके बाद ये घटना हुई। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर घटनास्थल पर SP समेत तमाम पुलिस बल तैनात रहा और मामले की छानबीन अब की जा रही है। बीते 30 जुलाई को सहारनपुर के थाना बेहट क्षेत्र में मृतक विवाहिता को ससुराल पक्ष के लोगों ने करंट लगाकर और बाद में फांसी देकर महिला की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से पति को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं परिजनों ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। साथ ही संबंधित मामले में मृतका के भाई हरेंद्र सिंह ने बताया है कि उसकी बहन की शादी 5 महीने पहले ही हुई थी, जिसके बाद उनकी बहन को बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं बीती 30 जुलाई को बहन को करंट लगाकर और उसके बाद में फांसी देकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें बहन के पति रोहित को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले को लेकर मृतका के परिजन SSP कार्यालय पहुंचे और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द मृतका के हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए। मामला यह है, हमारी बहन की 5 माह पहले शादी हुई थी बेट क्षेत्र में गांव भूलनी में, और वहाँ के उसके ससुर ने, उसकी ननद ने, उस लड़के ने और उसके जो जीजा जी है उन्होंने मिलकर उसको मार डाला, और उसी 30 तारीख की घटना है शाम की।
30 तारीख की शाम को 6-7 बजे हमारे पास फ़ोन आता है कि उसने ऐसा कर लिया। तो आनंद फालन में बारिश हो रही थी, हम वहाँ भागे और उसके तारीख की कौन से महीने घटना है? इसी महीने की 30 सात की। आपने रिपोर्ट वगैरह रिपोर्ट एफआईआर दर्ज हो चुकी है छुटमलपुर जो ये फतेहपुर थाने में। कौन लोग शामिल थे उसकी हत्या में? उसकी हत्या में उसकी ननंद, उसका जीजा और वो लड़का और उसके सास ससुर दहेज के लिए उस लड़के को प्रताड़ित करते थे। कौन कौन लोग शामिल थे? रोहित जिसके साथ भी आई थी, सनोप श्री राकेश, राकेश लड़के का बाप था, इसकी माता जी थी लड़के की, ये भोलनी है मुजफ्फराबाद ब्लॉक में थाना फतेहपुर। सीतापुर से 3 महीने पहले घर से बिना बताए निकली एक लड़की की रविवार को मंगलपुर थाना परिसर में बने मंदिर में शादी संपन्न हुई। शादी में लड़की के पिता और सीतापुर पीएससी बटालियन सेकंड की पुलिस टीम, मंगलपुर थाना पुलिस सहित लड़के पक्ष के तमाम लोग शादी के गवाह बने। बताया जा रहा है कि सीतापुर में पीएससी सेकंड बटालियन में राजकुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और उनकी बेटी फतेहपुर निवासी युवक से शादी करना चाहती थी, जिसके चलते युवती युवक से शादी करने के लिए घर से बिना चली गई थी। वहीं 2 दिन पहले उसकी शादी की तैयारियां हो रही थी, तभी किसी ने शंका के आधार पर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने छानबीन की और सोमवार को सीतापुर से पिता के साथ पीएससी की टीम आई और दोनों पक्षों से बात की। दोनों की सहमति पर मंदिर में लड़के ने लड़की की के साथ शादी कर ली। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।